नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अकाउंट सी में। दोस्तों आज हमारी वीडियो नंबर 25 और आज की वीडियो में हम अपना लास्ट टॉपिक करने वाले हैं जो कि है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत छोटा सा है, आज इसको करके इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। ठीक दोस्तों, एक बात और, जो इससे पिछली वीडियो थी वीडियो नंबर 24, उसमें मैंने बताया था हाउ टू अटेम्प्ट अ कंप्लीट क्वेश्चन ऑफ चेंज इन PSR। आपको बोलूँगा कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को देखा, क्योंकि उसमें मैंने कैसी अप्रोच आपको बता रखी है जिससे आपको क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ठीक, अगर आपने वो नहीं देखी तो जाइए पहले उसे देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और आई बटन में भी आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए दोस्तों इस टॉपिक को समझते हैं। और हाँ, इस टॉपिक में आज मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से करना है, क्वेश्चन इससे नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ठीक, पूरा कंप्लीट कराऊंगा विद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। आज मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आखिर ये है क्या। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों अब हम समझते हैं हमारा लास्ट टॉपिक जो कि है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। देखो सबसे पहले आपको जो समझना है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब बताता हूँ क्या होता है। देखो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है, पार्टनर्स की PSR में जब भी चेंज होता है तो क्या होता है, एसेट्स की रिवैल्यू करते हैं, वो लाइबिलिटीज़ की वैल्यू में चेंज होता है, उसके लिए क्या करते हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, रिजर्व्स होते हैं, गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कितनी सारी चीज़ें करते हैं। तो अब पार्टनर्स क्या करते हैं कि यार हमारी PSR में चेंज जो हो रहा है ना, यानी कि जो न्यू PSR बन रही है, उस PSR के अकॉर्डिंग हम अपनी कैपिटल को रखेंगे। यानी कि कैपिटल को न्यू PSR के अकॉर्डिंग रखना, उसी को हम कहेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब क्यों करते हैं ऐसा, देखो मान के चलो दो पार्टनर्स ले लो, कोई भी ए और बी मान लो पार्टनर्स हैं, उनकी जो कैपिटल का जो बैलेंस आता है ना, बैलेंस शीट जो, वो स्टैंडर्ड नहीं आता था। मान लो कि ए का आ गया 10,550, बी का आ गया 11,210, मतलब एक ऐसी वैल्यूज़ आ रही हैं जो जिसको अच्छी वैल्यूज़ नहीं है। एक स्टैंडर्ड वैल्यू में करने के लिए पार्टनर्स क्या करते हैं, अपनी कैपिटल को न्यू PSR के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। ठीक, और उससे जितनी भी डेफिशिएंसी होगी, यानी कि कम ज़्यादा कैपिटल की शॉर्टेज होगी या फिर एक्सेस आती है, वो लेके चले जाते हैं। वो आइए मैं समझाता हूँ पूरा केस, अभी आपको पूरा समझाऊंगा। देखो क्वेश्चन में किस तरीके से मिलेगा वो चीज़ समझो पहले। अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में आपको मिला है व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज गिवन, यानी कि एक मिनट, दो पार्टनर ले रहा हूँ मैं ए और बी, इनकी ओल्ड रेशियो मान लो 2:1 है और इन्होंने न्यू रेशियो कर ली, ए और बी ने न्यू रेशियो कर ली 1:1। ध्यान से समझना, बहुत सिंपल सी चीज़ समझाऊंगा। ठीक, और इनकी जो टोटल कैपिटल है वो आपको दे दी मान लो 1,30,000, 1,30,000 इनकी टोटल कैपिटल है। एक बार मैं यहाँ पे बैलेंस शीट बना दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक, यहाँ पे मैं करंट एसेट्स आते हैं, यहाँ पर करंट एसेट्स की जगह ना, एक मिनट, मैं सिर्फ कैश या फिर बैंक ये दो चीज़ लिख रहा हूँ, उसका वैल्यू रख लो 50,000, क्रेडिटर्स मान लो 10,000। यहाँ पे आते हैं कैपिटल अकाउंट, मैं कोई यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं बना रहा हूँ, बस आपको समझाऊंगा अभी उस चीज़ को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझाऊंगा अभी, देखना। ठीक, अब देखो क्या करना है, क्वेश्चन में अगर आपको बता रखा है कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इस इतना और इस कैपिटल को न्यू PSR के अकॉर्डिंग रखना है, यानी कि अगर एडजस्टमेंट बोल रखा है कैपिटल व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज 1,30,000 एंड कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स इन अकॉर्डिंग टू देयर न्यू PSR, यानी कि अब जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते थे हम ए बी, ठीक ये ए और बी है, ए और बी, अब यहाँ पर जो इनका टू बैलेंस सीडी बचता था वो मान लो 60,000 यहाँ बच गया, 80,000 यहाँ बच गया। अब एक बात बताओ, अगर आपको क्वेश्चन में ये नहीं मिलती टोटल कैपिटल तो आप क्या कर देते, इस बैलेंस को यहाँ ट्रांसफ़र करते थे ना। अब आप क्वेश्चन कह रहे हैं कि टोटल कैपिटल जो है वो 1,30,000, इसको न्यू PSR के अकॉर्डिंग रखना है, यानी कि अब जो बैलेंस जाएगा वो ये वाला नहीं जाएगा,
इसके अकॉर्डिंग जाएगा। तो अगर मैं आपको बताऊं तो ए की जो न्यू कैपिटल बनेगी, अब 130,000 को 1:1 में बांटूंगा तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 65,000। तो ए की न्यू कैपिटल बनेगी 65,000 और ए की ओल्ड कैपिटल कितनी आ रही है 60,000। अब ये देखना बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और बी की अगर मैं बताऊं, बी की न्यू कैपिटल वो है, इसकी भी यही आएगी 65,000 और बी की ओल्ड कैपिटल जो आ रही है वो आई है वो 80,000। अब एक चीज़ यहाँ पर समझना, देखो ए की जो कैपिटल रखनी है वो इस अकॉर्डिंग रखनी है 130,000, उस अकॉर्डिंग से कैपिटल बन रही है 65,000 और ए की है 60,000। तो 5,000 रुपये की डेफिशिएंसी आ रही है, शॉर्टेज आ रही है। तो 5,000 रुपये जो है ये लेकर आएगा, ब्रिंग्स लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। अब यहाँ देखो बी की कैपिटल रखनी है 65,000, ये वाली जो यहाँ पर रखनी, लेकिन है इसकी 80,000। तो यानी कि इसको 15,000 रुपये लेकर जाने पड़ेंगे। ठीक, इसकी तो मौज हो गई, ये तो अपना 15,000 रुपये लेकर चला जाएगा। तो 15,000 रुपये ये लेकर चला जाएगा, टैक्स लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ एक चीज़ समझो, अब जो भी यहाँ पे शॉर्टेज और ये एक्सेस हुई है, अब इसका कुछ ना कुछ तो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा ना कैपिटल अकाउंट में, तभी तो कुछ करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में बता रखा है कि एक्सेस और शॉर्टेज ऑफ कैपिटल ब्रिंग्स इन बाय कैश, यानी कि कैश के थ्रू होगी, जरूरी नहीं है कि आपको एज इट इज़ वही लाइन लिखी हुआ। आपको अगर कैश के थ्रू करनी है तो आप एक बात बताओ, यहाँ पर एंट्रीज बताऊँगा। इस केस में 65,000 थी और 5,000 रुपये और लेकर आने हैं, तो यानी कि ए को जो है पैसा लेके आना पड़ेगा, तो कैश आएगा तो एंट्री क्या करोगे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, 5,000 यहाँ पर चला जाएगा, 5,000 यहाँ पर चला जाएगा। अब कैपिटल अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर दो तो इस तरफ आ जाएगा बाय कैश या फिर बैंक अकाउंट, समझ में आया, कैश या फिर बैंक अकाउंट कितना आ जाएगा 5,000 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसी केस की बात कर लो तो इसमें 15,000 ये रुपये लेकर जा रहा है, तो इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। कैश या बैंक मतलब जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट में बैंक है तो बैंक रखोगे, कैश है तो कैश रखोगे। यहाँ पर 15,000 रुपये लेकर जा रहा है ये, तो अब इसकी अगर मैं एंट्री करूँगा कैपिटल अकाउंट में तो क्या होगी, 20 कैपिटल को डेबिट करना है टू कैश या बैंक अकाउंट से, कितना 15,000। अब देख लो इसका नया बैलेंस शीट जो निकल के आ रहा है वो कितना आएगा, 80, यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगी वैल्यू कितनी 65 और 65, इस तरीके से। अब एक चीज़ और समझना, यहाँ पर अगर क्वेश्चन में आपको ये जो एक्सेस और शॉर्टेज है ये कैश के ज़रिए नहीं करनी है, यानी कि कैश आपको वहाँ पे नहीं करना है, तो आप एंट्री क्या करोगे। और अगर आपको बोल दिया कैश की जगह आपको करना है करंट अकाउंट, जो भी एक्सेस और शॉर्टेज हो रही है ना वो आपको किसके ज़रिए करनी है, करंट अकाउंट के थ्रू, तो एंट्री बिल्कुल सेम रहेगी, बस कैश की जगह आपको लिखना है करंट अकाउंट। तो अब जैसे इसको 5,000 रुपये लेके आने थे तो एस करंट अकाउंट डेबिट, सॉरी करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, और इसको लेके जाने थे बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस करंट अकाउंट, सेम यहीं पे ट्रांसफर, यहाँ पे जैसे इसमें यहाँ पे बाय एस करंट अकाउंट आ जाएगा, ठीक, और यहाँ पर आ जाएगा टू बी इज करंट अकाउंट। अब एक चीज और मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि जब आपने यहां पर कैश लिखा था ना, कैश या बैंक अकाउंट, तो आप एक बताओ कैश लेकर आ रहा है कोई लेकर जा रहा है, तो इस वैल्यू पे भी तो इफेक्ट पड़ेगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब देखो 5,000 रुपये लेकर आया था, कैश बता रहा हूँ, कैश वाले केस में 5,000 रुपये लेकर आएगा तो 50,000 प्लस 5,000 कितना हो जाएगा 55,000, 55,000 में से 15,000 वो लेकर चला गया था, तो 55 में से 15 अगर लेस कर दूंगा तो कैश की वैल्यू यहां बन जाएगी 40,000 बन जाएगी उस वाले, जब कैश के थ्रू एंट्री होगी। अब
कैश के थ्रू एंट्री नहीं कर रहे, कैश को ऐसे रहने दो, करंट अकाउंट। अब देखो जो कैश लेकर आएगा उसको हमने क्रेडिट सेट करा, तो ये वाला यहाँ पर एसेट साइड पे आपको लिखना है एज करंट अकाउंट, और लाइबिलिटी साइड पे बी इज करंट अकाउंट। क्यों लिखना है वो अभी मैं आपको बताऊं। अब देखो एज करंट अकाउंट मैंने लिखा डेबिट साइड क्योंकि इसको पैसे लेकर आने थे। अब देखो ए को पैसे लेकर आने हैं लेकिन कैश अभी वो लेकर नहीं आ रहा, तो उसको हमने डेटर बना दिया 5,000 रुपये का, 5,000 रुपये का डेटर बना दिया। जिनसे पैसे लेने होते हैं डेटर, और इसको 15,000 रुपये देने, क्या अभी दिए नहीं दिए, तो इसको 15,000 रुपये का हमने क्रेडिटर बना दिया। होपफुली दोनों चीज़ समझ में आई होगी इस तरीके से कि ये करना है आपको। अब एक चीज़ और समझते हैं, एंट्री रहने देते हैं अभी, ठीक। ये तो केस फर्स्ट में बताया जब आपको केस फर्स्ट हो। अब मैं यहाँ पे दूसरा केस लिख रहा हूँ। इस केस में आपको टोटल कैपिटल जो थी वो क्वेश्चन के में गिवन थी। अब अगर आपको लिख दिया टोटल कैपिटल ही नहीं थी, सिर्फ लिख दिया कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स इन देयर न्यू PSR। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो, इसको दोबारा बना देता हूँ, कैपिटल जो है पार्टनर्स की वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखनी है, और इस क्वेश्चन में आपको टोटल कैपिटल नहीं दी, तो क्या करोगे। अब मैंने टू बैलेंस सीडी जो लिखा था यहाँ पर, टू बैलेंस कैरी डाउन लिखा था ना, 60,000 और 80,000, ठीक। तो इस क्वेश्चन इस वाले केस में आपकी जो ये बैलेंस सीडी निकल के आएगी ना, यही आपकी टोटल कैपिटल बन जाएगी। तो 80 प्लस 60 यहाँ पर कितना आ गया, अब टोटल कैपिटल कितनी बन गई आपकी, 1,40,000। 1,40,000 को अगर मैं 1:1 में बांटूंगा तो कितना आएगा, कितना आएगा, 70,000, ठीक। तो यहाँ पर वैल्यू चेंज होगी, अब एक ही न्यू कैपिटल बन रही है 70,000 और एक ही ओल्ड कैपिटल कितनी है 60,000। तो यानी कि 60,000 इसकी है, रखनी इसे 70,000 है, तो कितना लेके आएगा, 10,000 लेकर आएगा। अब बी की बात कर लो, बी की न्यू कैपिटल है 70,000। जरूरी नहीं है इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 होगी, ये मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ आपको। और ओल्ड कैपिटल जो है वो इसकी 80,000, तो ये 10,000 लेकर चला जाएगा। समझ में आया, कुछ भी नहीं है कोई। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आप इन लाइंस को रट लो, रटने वाली बात है ही नहीं इसमें। अगर टोटल कैपिटल क्वेश्चन में आपको दे रखी है तो उस अकॉर्डिंग उसको मान के आप न्यू PSR में बांट दो, और अगर नहीं दे रखी तो आपको जो कैप बैलेंस बचेगा इसी को टोटल कैपिटल मान लेना। अब वही एंट्री सेम होगी, अगर कैश के थ्रू होगा तो यहाँ पर कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, डेबिट जो भी होगा 10,000 10,000, और यहाँ पर एक मिनट इसको वैल्यूज चेंज कर देता हूँ। अगर करंट अकाउंट के थ्रू कर रहा है तो यहाँ पर 10,000 और 10,000, समझ में आया। और सारी वैल्यू बिल्कुल वही जाएगी जो अगर कैश लेकर आ रहा है तो यहाँ पर आएगा, अगर कैश को लेके जा रहा है कोई पार्टनर तो यहाँ आएगा, और अगर करंट अकाउंट में है तो करंट अकाउंट में आपको पता है डेटर यहाँ बनते हैं, तो इस बार मैं इसको 5,000 करके इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, दस हजार कर लेते हैं, और 20 करंट अकाउंट 10,000 कर लो। सारा कुछ सेम है, बस आपको क्या करना है, ये एंट्रीज ध्यान में रखनी है और देखना है कि क्वेश्चन में आपको टोटल कैपिटल दे रखी है या फिर आपकी जो बैलेंस सीडी यानी कि जो कैपिटल ओल्ड पार्टनर की रहेगी ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग उसी को टोटल कैपिटल मानना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। अगर आपको एंट्रीज नोट कर लिए तो एंट्रीज नोट कर लो एक बार, साइड हो जाता हूँ मैं, ठीक। अब देखो मेरी तरफ से ये वाला टॉपिक पूरा क्लियर है, सारे कुछ समझा दिया। अगर आपको डाउट है तो रिवाइंड करके देख सकते हो,
ठीक, अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको कराऊंगा फुल फ्लैश क्वेश्चन, कंप्लीट क्वेश्चन, जिसमें एक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी लूँगा। वही अप्रोच रहने वाली है जो मैंने पिछली वीडियो में सिखाई थी, ठीक, उसको भी उसी स्पीड से करेंगे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसमें आपको बता दूंगा। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और सेहत का ध्यान रखिए। गुड बाय, टेक केयर।